कलयुग में मनु शत्रुपा किस नाम से जन्म लेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल के नए सदस्य बन जाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक प्रसंग लेके आए हैं जो कि बहुत रहस्यमयी है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कलयुग में मनु और शत्रुपा किस नाम से जाने जाएंगे और कहां उनका जन्म होगा, किस तरीका से लोग उन्हें पहचानेंगे और कौन से कुल में जन्म होगा। तो हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम मनु शत्रुपा का जन्म ब्रह्मा जी के अंग से हुआ था। कौन अंगों से हुआ? ब्रह्मा जी के दाएं बाएं अंग से स्वाम्भव मन और शत्रुपा का जन्म हुआ था, जिनके द्वारा हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। जो भी इस संसार में सृष्टि चल रही है तो इनकी जड़ मन और शत्रुपा ही हैं। फिर उसके बाद में यही मनु शत्रुपा त्रेता में मनु राजा दशरथ बने हैं और शत्रुपा कौशल्या बनी, जिनके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था। उसके बाद में द्वापर में यही मनु वसुदेव बने हैं और शत्रुपा देवकी बनी, जिन देवकी के द्वारा यागवेंद्र योगीराज कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा की जेल में 16 कलाओं से। दोस्तों, आगे बताया जाता है, प्रमाण मिला है सुख सागर में, श्रीमद् भागवत में जो सुख सागर है उसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण कुल में मनु शत्रुपा जन्म लेंगे, तब मनु का नाम होगा विष्णु यश और शत्रुपा का नाम होगा सुमति। यानी मनु का जो नाम होगा वो विष्णु यश के नाम से जाने जाएंगे और शत्रुपा का नाम होगा सुमति। तो इस तरीका से ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होगा। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो प्रमाण मिला है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यही मनु शत्रुपा कलयुग में जिला संभल में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होगा, तब इनके नाम विष्णु यश होंगे और शत्रुपा का नाम सुमति होगा। इस तरीका से ये जन्म लेंगे कलयुग में ब्राह्मण कुल में जिला संभल में। और कैसी लगी दोस्तों हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और दूसरों को भी शेयर कर देना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।